मार्क्स एक सक्सेसफुल इंसान को आप कैसे डिफाइन करोगे? जिसके पास रुतबा हो, शोहरत हो, पैसा हो। लेकिन मेरे लिए एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके पास पावर ऑफ चॉइस और फ्रीडम हो। लेकिन क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम लड़कियों के पास अपने पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है? नहीं। चाहे मैं अबाया पहनूं, चाहे मैं साड़ी पहनूं, मैं मॉडेस्ट कपड़े पहनूं जो कि मेरी बॉडी को ढके रखते हैं, या फिर रिवीलिंग कपड़े पहनूं, इट्स माय चॉइस, राइट? लेकिन क्या हमारी फैशन इंडस्ट्री इन कपड़ों में हमें चॉइसेस दे रही है? नहीं। हिजाब की ऑप्शंस का तो छोड़िए, अगर हम बात करते हैं ऑफिस वेयर, मॉडेस्ट कैजुअल वेयर और स्पोर्ट्स वेयर की या फिर स्विम वेयर की, देन देयर इज नो चॉइस। सो इसीलिए पावर ऑफ चॉइस देकर मॉडेस्ट कपड़ों से एम्पावर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर मॉडेस्ट। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम सना फरहीन है, मैं औरंगाबाद से हूँ और मैं फाउंडर हूँ फॉरएवर मॉडेस्ट। फॉरएवर मॉडेस्ट इंडिया का पहला मॉडेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड है जो सिर्फ कैजुअल वेयर ही नहीं, मॉडेस्ट स्पोर्ट्स वेयर, मॉडेस्ट ऑफिस वेयर और एज वेल एज हम लोग अब स्विम वेयर पर भी काम कर रहे हैं। इंडिया के बाहर तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मॉडर्न फैशन में धूम मचाई हुई है, लेकिन हम इंडियंस के लिए उन ब्रांड्स को खरीदना बहुत महंगा होता है। मेरे कपड़े अफोर्डेबल होने के साथ साथ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी भी है, और हम लोग वाइड वैरायटी इन कलर्स के साथ साथ साइजेस भी कस्टमाइज देते हैं जो कि 10XL तक होते हैं। आप हमारे कोट्स, अबाया, कॉट सेट्स और सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट forevermodest.in और हमारे इंस्टाग्राम forevermodest.in से खरीद सकते हैं। मैंने 2021 में फॉरएवर मॉडेस्ट की शुरुआत की थी और मैं अब तक 2761 प्रोडक्ट सेल कर चुकी हूँ। फॉरएवर मॉडेस्ट को मैं एक मेन स्ट्रीम फैशन कैटेगरी बनाना चाहती हूँ और फिर फॉरएवर मॉडेस्ट के साथ उसको डोमिनेट करना चाहती हूँ। मॉडेस्ट फैशन सिर्फ किसी कम्युनिटी को कैटर नहीं करता, मॉडेस्ट फैशन कोई भी पहन सकता है। शार्क्स, मेरी आस्क है 20 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी। फॉरएवर मॉडेस्ट स्टार्ट करना वाज माय चॉइस, इसमें इन्वेस्ट करना विल बी योर्स। अमेजिंग सना, आपका सीजन 2 के फिनाले में स्वागत है। थैंक यू and congratulations on selling 2761 products. Thank you so much. ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? Basically मैं एक fencing champion हूँ। Oh wow! Wow! Amazing! ये आप हैं? Yes. Wow! A sword भी लेकर आई हूँ, if you wanna see. Yes, 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 yes. देखिए सना, अब तो फंडिंग करनी पड़ेगी हमें, अब तलवार लेके खड़ी हो। एम्पावरमेंट की तलवार। अरे वाह, इसका कोई वर्ड होता है कोई, जैसे हु हा टाइप्स कोई? नहीं नहीं, हाँ, इसमें होता है प्रे आले, प्रे आले कहते हैं। करो एक बारी, करो ऑन गार्ड। ओ ओ, good. Hey, thank good you. Job. Good job. How old are you? I'm 23. Oh my God. So you want to keep the sword or you want to keep it? Yeah, I'll keep that. वो एंड में वापस ले आना, डील के टाइम पे नेगोशिएशन। सना, तो आप अपनी कहानी बता रही थी कि आपको ये ख्याल कैसे आया? जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो फिर मुझे स्पोर्ट्स वेयर मिलते नहीं थे जल्दी। स्किन टाइट होते हैं यूजुअली और टी शर्ट्स के लेंथ भी मतलब कंफर्टेबल नहीं होते। सो अगर जो लड़कियां लाइक बॉडी रिवीलिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये कब की बात है जब ये ख्याल आया? 2017। अच्छा, और आपने शुरू कब किया? 2021 में किया, जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुई। आपने सीधा शुरू कर दिया आफ्टर कॉलेज? हाँ, मतलब पहले से मैं, मेरी मम्मी एक्चुअली फैशन डिजाइनर है तो वहाँ से स्टार्ट तो हो चुका था। पर आपको डर नहीं लगा कि अभी आपने कभी बिजनेस नहीं किया है कि एकदम से बस आपने सोचा कि मैं शुरू स्टार्ट नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा सर?
क्या बात है, गुड आंसर। आप इतनी यंग एज में इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। सना, यहाँ मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि आपने मॉडेस्ट कपड़े बनाए हैं जी, पर फिर भी वो जो ट्विस्ट है द वेस्ट, वो जो एक फ्लो है, और आपने कलर्स भी बहुत ब्राइट यूज किए हैं। यस, सो एज समबडी हु एंजॉयज फैशन, हैट्स ऑफ टू यू। यस, थैंक यू सो मच। आपका कोई इंस्टा पेज है जहां हम देख सकते हैं? यस। कितने फॉलोअर्स है? 15,000 प्लस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिखाएंगे। Beautiful. Got it. और कुछ मॉडल्स भी है जिनको लाइक आई वुड लाइक टू शो मोर डिजाइन्स। प्लीज। श्योर? या। ओह नाइस। ओह नाइस, लवली। ऑलराइट गर्ल्स, वेल डन। बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल। और आप सब भी औरंगाबाद से हैं? नहीं। You are from Aurangabad. आप इनकी दोस्त है पहले से? वो मेरी छोटी बहन है। Okay, thank you girls. Thank you. Very nice. बहुत बढ़िया। अब सेल्स के कुछ नंबर बताएं, क्या क्या चल रहा है? अक्टूबर 2021 में मैंने स्टार्ट किया। लास्ट ईयर का हमारा 12 लाख का सेल रहा है, और नेट रेवेन्यू 12 लाख था जो आपने। यस। इस साल का अभी तक 15,61,000 है। 15,61,000। I like how detail oriented you are. सना, लास्ट मंथ कितना किया आपने? 4,20,000। So you are on a run rate of 50 lakhs. और ग्रोथ कैसा है आपका पिछले 2-3 महीने? Actually हम लोगों ने कुछ वाइट लेबल के कंसाइनमेंट लिए थे, तो उस वजह से सेल्स के नंबर्स काफी ऊपर गए हैं। You are all alone या आपके पास टीम है? मेरे पास टीम है, मेरी मॉम और उनके साथ कुछ फैशन डिजाइनर्स है, कुछ टेलर्स है, मार्केटिंग में भी हमारे पास लोग हैं। तो सना, आपका कंज्यूमर कौन है और उनकी और क्या नीड्स हैं? सबसे पहले तो 16 इयर्स से लेके 30 इयर्स के बीच में ज्यादातर ऑर्डर्स होते हैं, और जिस कंसाइनमेंट्स की मैं बात कर रही थी वो तो फॉरेन कंसाइनमेंट्स भी हमने किए हैं विद लंदन एंड सर्बिया। आप अभी इंडिया में ब्रांड बनाना चाहते हैं, इसको बाहर ले जाना चाहते हैं? बाहर भी ले जाना चाहती हूँ, पर पहला मेरा लाइक प्रायोरिटी रहेगा कि इंडिया में ही मैं करूं। तो ये जो आप सेल कर रही हैं, इसके अंदर अभी कुछ B2B ऑर्डर्स भी हैं। जी। वो कितना ऑर्डर है, जैसे आपने कहा 5 लाख की सेल है? इट्स अराउंड 3.1। अच्छा, B2B था। तो मैक्सिमम सेल अभी आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है? जी। सना, एक क्वेश्चन है मेरे को कि इसमें इंडिया में और ब्रांड्स भी हैं जो सिमिलर? ब्रांड नहीं है कोई, इंडिया के बाहर बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे नाइकी ने अभी उसके खुद के मॉडल स्पोर्ट्स वेयर लॉन्च किए हैं, उसके अलावा DKNY, मैंगो। बट ये थोड़ा एडिडास का ही लग रहा है मुझे, आपके ब्रांड का नहीं लग रहा डिजाइन? No, it's from my brand. नहीं, ये जो 3 लाइंस है ना स्ट्राइप्स। हां, ही इज राइट। ओके, ये आप ना ध्यान से करना, क्योंकि क्या होता है ना, ये 3 लाइंस ना पेटेंट है एडिडास की। ओके, आ थोड़ा ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड मार्केट देखें तो इसकी मार्केट ग्रो हो रही है? यस, अभी एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग $2.5 trillion होगा 2024 तक। नहीं नहीं, वो $2.5 trillion बहुत ज्यादा है यार। इंडिया का GDP 3.4 trillion है। मॉडर्न क्लोथिंग? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड मार्केट। हाँ, फिर भी yes. फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। इंडिया में आपके हिसाब से कितना बड़ा है ये मार्केट, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मतलब आपको लगता है पूरे देश में ये मार्केट बनेगा? मुझे लगता है पूरे देश में बनेगा, बिकॉज सो मेनी गर्ल्स लव लेड पैंट एंड लूज जैकेट्स, एवरीवन लव्स दैट। रेशो मेरे दोनों भी कस्टमर्स के लाइक कम्युनिटी से जो है वो भी है, और कम्युनिटी से बाहर के कस्टमर्स है दोनों। अच्छा, की वो है। भी वो भी है। यस यस। सना, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। वाओ। फर्स्टली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपकी स्टोरी से, और स्पेशली बोथ ऑफ यू, थैंक यू, म्यूचुअल लव। वो जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, पावर ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ये है कि ये स्केल करना बहुत मुश्किल होगा गिवन हाउ क्लटर्ड द मार्केट इज, तो इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो एज अ टोकन, एज मेंटोरशिप,
I would like to offer you 5 lakhs for 5% equity. And balance 15 lakh as debt at 12% interest rate. Chaliye, congratulations, Sana, you have an offer. Thank you. बहुत मजा आया आपसे मिलके और आपको नमिता ने ऑफर भी दे दिया. इट्स अ गुड ऑफर. आई एम आउट फॉर नाउ बट एक सजेशन देना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है जब आप बहुत अच्छा करने लगते हो ना तो बड़े ब्रांड्स स्टार्ट नोटिसिंग यू एंड दैट इज वेयर यू कांट यू नो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डिजाइन ट्रेडमार्क्स दे माइट बी हैविंग बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मेरे एक दो सवाल. आपका जब लास्ट मंथ का रेवेन्यू अपना 4.2 लाख, क्या उसमें प्रॉफिट था आपका? ग्रॉस मार्जिन जो है वो 40% है, नेट मार्जिन इज 25%. ये किस प्राइस रेंज के अपने कपड़े? अप टू इट्स 3000. और इसमें सबसे कम और ज्यादा कौन सा है इसमें? सबसे कम दैट ग्रीन वन जो हम 1499 में बेचते हैं. 1500 से 3000 की रेंज के कपड़े अपने पास. आपको आगे जाके इस बिजनेस के साथ ब्रांड के साथ क्या करना? इस साल मेरा टारगेट है कि हम लोग एटलीस्ट यू नो 50 लाख करें. 3 साल में कितना करेंगे? मैं तो बोलो बोलो, डोंट वरी, यू आर अ गो गेटर. सिर्फ मल्टी बिलियन कंपनी बनानी है. मल्टी बिलियन डॉलर, अब बात हुई ना. देखिए सना, आपसे मिलके बहुत ही मजा आया, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंस्पिरेशनल लगे आप. और अब मेरे को लगा नया भारत दिख रहा है मेरे को आपके अंदर, राइट? आपने व्हाइट स्पेस ढूंढी क्लोथिंग कैटेगरी में, मॉडर्स्ट क्लोथिंग. मैं आपके जरिए चाहूंगा, मैं इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहा हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ खुद पर्सनली. आई वांट टू सी हाफ द कंट्री कमिंग टू द वर्कफोर्स. तो बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करना चाहूंगा. B2C में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे व्यू में, और अपने को मार्केट प्लेसेस यूज करने पड़ेंगे, पर एक लार्जर विजन देखना पड़ेगा. अभी जवाब कच्चे हैं पर मिलके पूरे कर लेंगे. मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा 20 लाख आपको जो चाहिए वही एट 20%, 1 करोड़ की वैल्यू लगाई मैंने आपके बिजनेस की. क्या बात है, क्या बात है. अरे आप 20% इक्विटी मत दीजिए इतना जल्दी. तो सना, मैं अग्री करती हूँ अमित से, आपने जो मार्केट पकड़ा है अफोर्डेबल बट फैशनेबल, यस, मॉडेस्ट क्लोथिंग बहुत पावरफुल है, पर आपकी प्रेपरेशन काफी वीक है. आप थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बीच बीच में. जैसे आपने बोला कि हम इंडिया में भी बाहर भी बनाएंगे, अभी आपने स्टार्ट किया था कि बाहर तो बहुत है, हम इंडिया के लिए बना रहे हैं, इंडिया बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. इतने अर्ली स्टेज पे ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. हैविंग सेड दैट, मैं आई कैन हेल्प यू ब्रांड पे. क्या बात. तो आई डोंट माइंड जॉइनिंग हिज डील इफ ही इज ओके विद दैट. ऑफ कोर्स. तो मैं और अमित आपको ऑफर करते हैं जो आपने आस्क किया था, 20 लाख रुपीज फॉर 20% ऑफ द बिजनेस. देखिए सना, आपके पास काफी ऑफर्स हैं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एक कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए विच रिलेट्स टू दिस क्लोदिंग, बट उसके बाद आपको और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने चाहिए उस कंज्यूमर सेगमेंट के लिए. Yes. नहीं तो क्या है, जो टारगेट मार्केट साइज है वो लिमिटिंग हो जाएगा. इसके अंदर काफी गाइडेंस की जरूरत लगेगी. आई थिंक यू हैव गुड ऑफर्स और इसीलिए मैं इससे अभी बाहर होना चाहूंगा. चलिए देखिए सना, मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप मार्केट के बारे में प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे. आई विल वर्क ऑन इट. दूसरी बात, मुझे ये भी लगा कि आपके बिजनेस फंडामेंटल्स काफी कमजोर है. जैसे कि आपकी पोजिशनिंग is all over the place. शुरू में एक क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, एक शार्पनेस होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है. वो देख रही होती है मेरी तलवार का है. Maybe that. अनुपम में तलवार चलानी है अभी आपको. तो आज मैं ये कहूंगा कि आप में काफी मासूमियत, मेहनत और एक मकसद भी है. एक माँ भी मिल गई आपको नमिता के ओर से. एम आ गया. अभी एक और एम जुड़ता है आपके साथ, मित्तल. तो लेकिन नमिता जी, इफ यू वांट, आई थिंक वी शुड टेक अवे द डेट एट दिस स्टेज एंड चेंज इट टू 20 लाख फॉर 20%. आई एम ओके विद दैट सना.
टेक योर तलवार गो डिसाइड. I have two offers, but मुझे कौन सा पैर चूज करना? I don't know because I love them all. चलो सना बताइए. पहला काउंटर ऑफर मेरा ये है कि पहला काउंटर ऑफर मतलब आप मल्टीपल देने वाले हो. मैं आप चारों के साथ जाना चाहूंगी. And valuation कितना पैसा बताइए? Yes, 20 lakh for 20%. I'm okay with this. Are you three okay? Yeah, let's do it. Oh, 100 deal. This is the 100th deal. This is the 100th deal. कैसे करते हैं? All sharks. जैसे भी करो.